हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। दिस इज सुब्रत घोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएसजी वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा इसके अंदर क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक को ओपन करना पड़ेगा। पिछली बार जो एज इट इज का प्रोटीन आया था उसका पैकेजिंग थोड़ा सा गंदा था, ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। ये इस प्रोडक्ट का इनवॉइस, इनवॉइस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस यहीं पे दिया हुआ है। ये देखिए 924 रुपये इस डब्बे का प्राइस है। यहाँ पे आपको सर्विंग साइज दिया जाता है, एक स्कूप का अबाउट 6 ग्राम, और यहाँ पे पर कंटेनर आपको 50 सर्विंग मिलेगा BCS। इसके अंदर मेन जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एमिनोस प्रोफाइल के, 2.5 ग्राम लूसीन, 1.25 ग्राम आइसोलूसीन, 1.25 ग्राम वैलिन, ये सब आपको एक 6 ग्राम के स्कूप में आपको मिल जाएगा। चलिए अब इस प्रोडक्ट को खोल के देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सील देखने को मिलेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ये बहुत ही स्मूथ पाउडर है, आसानी से हाथों में लग जाता है। ये है एक 6 ग्राम का स्कूप। ये फ्लेवर है ऑरेंज, मैंने ऑरेंज फ्लेवर ऑर्डर किया था। मैंने पाइनएप्पल इसका टेस्ट किया है पहले, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार ऑरेंज मैं टेस्ट करूँगा, पता नहीं कैसा लगेगा, आई होप अच्छा ही लगेगा। इसे आप एक स्कूप लेने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिक्स करें और शेकर को बंद करने के बाद ये हो गया ब्लेंड पानी के साथ। आप इसे एज ए प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका बॉडी एनाबोलिक में रहे। आपको थोड़ा सा एनाबोलिक के बारे में समझा देते हैं। एनाबोलिक में जब हमारा बॉडी होता है तब हमारा मसल बिल्ड होता है, और कैटाबोलिक में हमारे बॉडी मसल लॉस करती है, इसीलिए हमारे बॉडी को एनाबोलिक ही रखना पड़ेगा। और अगर ये शेकर की बात करें तो इसके अंदर है व्हे प्रोटीन, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था ना उसके अंदर व्हे प्रोटीन है। इसका झलक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देख लिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।